1992 में आया, तो उसके बाद मेरा जो पहले दोस्तों में एक गाने वाले थे और वो गाना भी गाता था, एक ऐसा नौजवान, आज भी नौजवान ही है इतने सालों बाद, तो उससे आपके गाने मैं सुनता रहा बैठ के, और दोस्तों की महफिल लगती थी तो बड़ा प्यार था। आपसे रोशनास कराने वाले कुछ लोग हम में बैठे हैं, मैं सबका नाम ऐसा ऐसा लूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो खुद आए और आपके बारे में कुछ कहें। अली जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं यहाँ 1990 से कनाडा में रह रहा हूँ, और जिस दोस्त का जिक्र नवीद अभी कर रहे थे वो मैं ही हूँ। और आलमगीर साहब के बारे में क्या कहूँ कि वो मुखातिब भी हैं, करीब भी हैं, उनको देखें कि उनसे बात करें। आपने एक गीत गाया था कि शाम से पहले आना, धूप सारी ढल गई, तो वो गीत जो है वो माउथ ऑर्गन से शुरू होता है। वो माउथ ऑर्गन मुझे इतना पसंद था, मैं उस वक्त 9th grade में था, तो मैंने स्पेशली माउथ ऑर्गन खरीदा और मैंने वो सीखा उस तरह से बजाना, और वो गीत मुझे इतना ज़्यादा पसंद था कि आपके 95% जो सॉन्ग्स हैं मुझे ज़बानी याद है। आप कोई गीत कहें मैं आपको गाकर सुनाऊं। तो आलमगीर साहब के बारे में दो जो मेजर बातें हैं कि एक तो ये इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, लेकिन इनकी जो हम्बलनेस है, इनकी जो स्माइल है, और जिस तरह से ये बात करते हैं, ही सो डाउन टू अर्थ। और दूसरी बड़ी बात, जो इन्होंने जितने भी मिली नगमे जो गाए, इनकी आवाज़ में पाकिस्तान के लिए जो मोहब्बत और जो प्यार है, आई एम वन ऑफ योर फैंस, एंड ऐसा फैन कि ये समझ लें कि आलमगीर ही आपके सामने खड़ा है, यानी इतना मैं जज्ब कर चुका हूँ आपको अपने अंदर कि आई फील लाइक आलमगीर व्हेन आई थिंक अबाउट माई सेल्फ। मैं वो आलमगीर साहब के सामने मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं, मेरे साथ बैंड में प्ले करते रहे, इमरान हैं, और इमरान प्लेज अ लॉट ऑफ ट्यून्स ऑन द गिटार ऑफ योर सॉन्ग्स बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज वी प्रिपेयर्ड दोस सॉन्ग्स टुगेदर। तो वो जो गीत है जो मेरा सबसे फेवरेट है, शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो शाम। माय वॉइस इज ट्रेम्बलिंग बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस। फूल सारे खिल रहे हो, मौसम सारे ले आना, शाम से पहले आना, वो भीगी भीगी रातें, वो भीगा समां, वो बारिश पहली है जाने जहां, जरा घर से निकल आना, खिड़की से चेहरा दिखाओ ना, ये भीगी भीगी रातें, ये भीगी भीगी रातें, अलबेला राही मैं हूँ, अलबेला राही मैं हूँ, अलबेला राही, कह देना आंखों से समझ लेना, बातों से कोई तो रहता है, सांसों में कह देना। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है और मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि आप मेरे साथ आके और एक गीत मेरे साथ गुनगुनाएं। It'll be an honor. ये गजल है जो उन्होंने गाई थी, बहुत अच्छी है। तुम मेरी आंखें हो, मैं ख्वाब जैसा हूँ, तुम मेरी आंखें हो, मैं ख्वाब जैसा हूँ, कभी अपने जैसा हूँ,
कभी तेरे जैसा हूँ, तुम मेरी आँखें हो, मैं ख्वाब जैसा हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत सारी तालियां आलमगीर के लिए और अली सर के लिए।